तेरा है? नहीं मम्मी, ये मेरा नहीं है। मेरे क्लास में मेरा फ्रेंड है ना सिद्धार्थ, उसने जान के मेरे बैग में डाल दिया था मुझे तंग करने के लिए। मैं समर को भी तब से ये बोल रही हूँ मगर वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। मम्मी सच में ये मेरा नहीं है, स्मोक नहीं करती, आई स्वेयर ऑन गॉड। तुझे कसम खाने की जरूरत नहीं है स्वीटी, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ना तो कभी कुछ गलत काम करेगी ना ही कभी झूठ बोलेगी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। वो सड़क पे जो गाड़ी इधर उधर जाती है उसको क्या बोलते हैं? टू-वे ट्रैफिक। ये विश्वास जो है ना वो भी टू वे ट्रैफिक की तरह होता है। जैसे मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है वैसे तुझे भी मुझ पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि तुझे मुझसे कुछ छुपाना ही नहीं पड़े। तुझे कोई तंग करे या कोई उल्टा सीधा कुछ भी हो तेरे साथ, सबसे पहले आके मुझे बताना हो। जब बेटी पे आए ना तो ये रोटी बेलने वाले हाथ किसी को मार मार के सीधा कर सकते हैं। मम्मी पापा को मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगी और समर से भी कह दूंगी कि चुप रहे, पर तू मुझसे वादा कर कि मुझे आके हर बात बताएगी। प्रॉमिस। मारी स्वीट टूडी, चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा स्कूल के लिए, चल। मम्मी वो स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या स्कूल में, कुछ हुआ? नहीं मम्मी, बस वो भाई की याद आ रही थी। तो सु आ जाएगा, तू फिक्र मत कर, वो जल्दी आ जाएगा। आपको लगता है? लगता नहीं है, मुझे विश्वास है। ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? नहीं, आज पीठ में बहुत दर्द है। बाम लगा? नहीं। मन नहीं कर रहा है ना? आज सुबह से मेरा भी मन नहीं लग रहा था किसी काम में, फिर बात से बात की तो विश्वास हो गया कि तुसु लौट आएगा। अब देखना, आज कहीं ना कहीं से हमारे तोसु की खबर जरूर आएगी। गणपति बाप्पा हमारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। कौन है ये जो तब से पागलों की तरह हॉर्न बजाया जा रहा है? बेटा घर को ये हॉर्न बजाने वाले का सर में दर्द कर दिया है। गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस शाह। ओ गॉड, अगर किंजल की मॉम ने बता दिया कि भाई इनके घर पे है तो कांड हो जाएगा। आज इसकी गाड़ी घर तक कैसे आ गई? पिछली बार के ट्रक में आई थी, पता नहीं आज कौन सा तमाशा करने आई है। पहले तो मैं कॉल करने वाली थी, फिर सोचा कि ऐसी बातें पर्सनली जाकर बतानी चाहिए। इस तमाशे की कोई वजह? तमाशा करना हमारी नहीं आपकी आदत है मिस्टर शाह। पहले आपकी वाइफ ने मेरी बेटी का तमाशा बनाया, फिर आपने अपनी और हमारी दोनों फैमिली का तमाशा बना कर रख दिया। Just come to the point, Mrs. Dave. The point is, आपका लाडला बेटा पारितोष कल रात आपका घर छोड़कर हमारे घर आ गया है। What? तोसु आपके घर है?
Yes, अभी भी वही है। बार बार यही कह जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं किंजल से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। हम दोनों को प्लीज अलग मत कीजिए, ब्ला 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 ब्ला। बेचारा इतना गिड़गिड़ा रहा था ना कि मुझे उस पर रहम आ गया। मिस्टर शाह, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की कि बेटा डोंट डू दिस। एक लड़की के लिए कोई अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ देता, बट उसे किंजल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो फाइनली उसके जिद के आगे और अपनी बेटी के प्यार के हाथों मजबूर होकर मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। आप तोसु और किंजल की शादी के लिए तैयार हैं? शादी के लिए तो मैं पहले भी तैयार थी मिसेस शाह, बस एक छोटी सी शर्त रखी थी। जो शर्त कभी पूरी नहीं होगी। आई नो मिस्टर शाह, इसलिए मैंने आपके बेटे के आगे दूसरी शर्त रख दी। एंड टू माई सरप्राइज मिस्टर शाह, उसने वो शर्त इमीडिएटली मान ली। आई मस्ट से आपका बेटा आप पे बिल्कुल नहीं गया है। कैसी शर्त? यही कि अगर पारितोष को किंजल से शादी करनी है तो उसे हमारा घर जमाई बनना होगा। हमारा घर जमाई बनना होगा। बस यही बताना था। आई नो एज पेरेंट्स आप लोगों को पारितोष की बहुत चिंता हो रही होगी, बट डोंट वरी, पारितोष उस घर में इस घर से ज्यादा खुश है। पारितोष को किंजल से शादी करनी है तो उसे हमारा घर जमाई बनना होगा। पर डोंट वरी, पारितोष उस घर में इस घर से ज्यादा खुश है। आज से वनराज शाह और उसके परिवार का राखी दवे के घर जमाई पारितोष से ना कोई रिश्ता है और ना कोई लेना देना। क्या, क्या, क्या? आज से उसका नाम तक नहीं लेगा कोई इस घर में। कल तक वो गया था लेकिन आज से मर गया वो हमारे लिए, मर गया वो हमारे लिए। परितोष, तुम्हें अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने का हक है, लेकिन मेरा सजेशन है कि अपने डिसीजन के बारे में दोबारा सोच लो। मैंने दुनिया देखी है, अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपनी फैमिली से दूर रहकर कोई खुश नहीं रह पाता है, इसीलिए मैं यहाँ अपनी बेटी का घर बसाने में लगी हूँ और तुम उछाड़ने में। किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाया जाता। ये ज्ञान तब कहाँ था प्रमोद, जब तुम अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे मम्मी पापा के घर घर जमाई बनने आए थे। कल तक बात सिर्फ किंजल के प्यार और उसकी जिद की थी, लेकिन आज आज मेरे प्राइड की है। किंजल के बाप हो ना के पारितोष के, अगर सोचना है तो अपनी बेटी के बारे में सोचो। पर एक बात तो तय है, पारितोष अब इस घर का घर जमाई बन के रहेगा। बाह, पानी पी लीजिए। बाह नहीं चाहिए, ना अन्न चाहिए ना पानी चाहिए।
बस मुझे मेरा पोता चाहिए, ला सकती हो वापस? हाँ क्या तुम दोषी को वापस लेकर आओगी? हाँ आप ही नहीं सिखाया कि विश्वास माँ की सबसे बड़ी ताकत होती है? तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने बेटे को जरूर लेकर आऊंगी। पर वनराज ने कहा कि तोशु अब इस घर में वापस नहीं आएगा। पिता का गुस्सा बोलता है पर पिता का प्यार चुप ही रहता है, और वही प्यार बिना बोले चुपचाप बस यही कहता है कि मेरे बेटे को वापस ले आओ। सास को मां कहना अच्छी बात है के और मान भी, पर अपनी मां को पराया मत कर। अपने ससुर को पिता मान, पर अपने पिता से पिता होने का अधिकार मत छीन। बचपन में सुना था कि जो अपने पिता को छोड़ देता है उसे हिम्मत देने वाला कोई नहीं बचता जिंदगी में, और जो अपनी मां को छोड़ देता है उसे दुआ देने वाला कोई नहीं बचता। और तूने तो हम दोनों को छोड़ दिया। तो सुन, गलती तूने की है, सही मैं करूंगी। घर तूने छोड़ा है, वापस मैं लेकर जाऊंगी। चल घर चल, जैसे वहां से सारे रिश्ते तोड़ के आया है वैसे यहां से कोई रिश्ता तोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही। घर चल, दो परिवारों के बीच में सही मायने में सही तरीके से रिश्ता जोड़ने के लिए कह रही हूं। चल राखी बेन, मारी अने मारा दीकरा ने वच्चे ना आवो। सॉरी गुजराती में बोला, समझ में नहीं आया होगा। मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।